हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ साबूदाना वड़ा की रेसिपी, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है, वो भी कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है, एंड तक ज़रूर बने रहना, तो आपको ये पता चलेगा कि ये कितना क्रिस्पी है, मैं आगे बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम साबूदाना को तैयार करेंगे। मैंने यहाँ पे साबूदाना लिया है, इसको पानी में अच्छे से धो लेंगे। हमें साबूदाना को 10 से 12 घंटे के लिए कम से कम भिगाना है। जैसे ही साबूदाना भीग जाए, ये खिला खिला हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये कितना खिला खिला हुआ है। हाथ से हमें एक साबूदाना को दबा के देखेंगे तो ये अच्छी तरीके से दब रहा है। साबूदाना में डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्च, कुटा हुआ पीनट, मूँगफली। फ्लेवर और बढ़ाने के लिए हम डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया, और बाइंडिंग के लिए हम डालेंगे आलू। 2 से 3 आलू डालेंगे, और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। 1.5 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे। अब इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखें कि आलू हमें ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो वो क्रिस्पी नहीं बनेगा। तरीके से मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं कि इसमें बाइंडिंग आ गई है, तो हमें इसकी लोई बना लेंगे। साफ हाथ में हम हल्का पानी लगा लेंगे। एक हाथ में वड़ा रख के दूसरे हाथ से दबाएंगे। दूसरे वाले हाथ को थोड़ा कर्व रखे ताकि राउंड शेप बना ले, कोने से पतला रहेगा। अच्छे से सारे हम इसी तरीके से वड़ा को बना लेंगे। ने अच्छे से शेप ले लिया है, सभी वड़ा को हम तैयार कर लेंगे इसी तरीके से। यहाँ पे ऑयल रखा है गरम होने के लिए। वड़ा डालने से पहले हम थोड़ा डाल के टेस्ट कर लेंगे। ये ऑयल बिल्कुल रेडी है। एक एक करके हम वड़ा डालेंगे। शुरू में ये आपस में चिपक सकता है, लेकिन जैसे ही ये पकने लगेगा, ये अलग अलग होने लगेंगे। हम इसे मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी था। आप इसे व्रत में भी ट्राई कर सकते हैं। व्रत में अगर बनाएंगे तो इसमें हमें उपास वाला नमक डालना पड़ेगा। हमें इसे मीडियम फ्लेम पे ही गोल्डन होने तक पकाना है। जैसे ही ये हल्के गोल्डन हो जाए, इसे हमें निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे फूले फूले और कितने क्रिस्पी वड़े हैं। अभी हम दूसरे पैच भी इसी तरीके से हम निकाल लेंगे। आपको सुनाती हूँ कि ये कितना क्रिस्पी है, तो ये आप सुन सकते हैं कि एकदम क्रिस्पी वड़ा बना है। इसी तरीके से हम सभी वड़ा को फ्राई कर लेंगे। आप इसे हरी चटनी या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।